नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C11 versus Micro Max in 1 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C11 में 6.47 इंच जबकि Micro Max in 1 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme C11 में 2.99 इंच जबकि Micro Max in 1 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme C11 में 0.36 इंच जबकि Micro Max in 1 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C11 में 196 ग्राम जबकि Micro Max in 1 में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C11 में 6.52 इंचेस जबकि Micro Max in 1 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme C11 में 720x1600 और Micro Max in 1 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C11 में 82.25% जबकि Micro Max in 1 में 84.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme C11 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Micro Max in 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C11 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Micro Max in 1 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme C11 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Micro Max in 1 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Micro Max in 1 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C11 में पावर GE8320 जबकि Micro Max in 1 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C11 में MediaTek Helio G35 और Micro Max in 1 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C11 में 2GB की RAM मिलती है जबकि Micro Max in 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C11 में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Micro Max in 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें माइक्रो मैक्स इन वन की, तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,870 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme C11 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Micro Max N1 की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Micro Max N1 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Micro Max N1 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Xiaomi Max है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia 3.4 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।